3 देख रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता के बारे में जानेंगे आज। पूरा जो डिस्कशन है वो इस पे है कि जब हम किसी क्षेत्र या देश की बात करते हैं, और इस देश में, किसी भी देश में देख लीजिए आप, जैसे हम एग्जांपल लें कि ये देश थोड़ा विविधता से भरा हुआ है, हो सकता है या रिलीजन 1 हो, रिलीजन 2 हो, रिलीजन 3 हो, या फिर भाषा बोलने वाले लिंग्विस्टिक 1 हो, लिंग्विस्टिक 2 हो, लिंग्विस्टिक 3 लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन के या कलर के या जेंडर के ऐसे लोग होते हैं किसी भी देश में। तो जब विविधता होती है, डिवर्सिटी होती है, तो लोकतंत्र का क्या रोल होता है, लोकतंत्र को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, लोकतंत्र का रोल क्या होगा इसमें, और लोकतंत्र के पीछे आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। तो राजनीति क्या रोल प्ले करती है इस विविधता में, क्या इसे अच्छा बनाती है, या विविधता शायद पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स इसको अच्छा बना सकती है या बुरा भी कर सकती है। तो जैसे हमने देखा पहले, भाषा और जो क्षेत्रीय विविधता है उसको समायोजित करने के लिए, या भी फिर ये कहें कि उनको साथ लेकर चलने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा। यहाँ पर एक लैंग्वेज बोलने वाले दूसरी लैंग्वेज, आपको याद होगा हमने बेल्जियम की बात की थी, तो बेल्जियम में क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि जो अलग अलग भाषाई क्षेत्र हैं उनको पावर दे दिया गया था, सत्ता दे दी गई थी। तो जब सत्ता मिल गई तो किसी हद तक हमने चीजें देखा नॉर्मल चली। तो अगर किसी की शारीरिक बनावट अलग है, किसी का वर्ग अलग है, धर्म अलग है, लिंग, जाति, गोत्र, ये सब अगर अलग है, क्योंकि लोग इसी के नाम से, इसी के आधार पर पहचाने जाते हैं या उनकी पहचान की जाती है, तो हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक अंतर, जो मैं कह रहा हूं कि ये जो अंतर मिल रहे हैं, डिफरेंसेस मिल रहे हैं, जो विभाजन है, और ये जो असमानता किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में हो सकती है, लोकतंत्र इसके लिए क्या करता है, लोकतंत्र का क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए। यानी कि सामाजिक विविधता को पहले हम समझेंगे, और फिर जो राजनीति आती है, क्योंकि लोकतंत्र के पीछे राजनीति होती है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या विविधता और लोकतंत्र किस तरीके से कितना जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं बातचीत मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से। यहां पर 3 साहब लोग खड़े हुए हैं, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है, इनको सेकंड और इनको थर्ड। जो पहला प्राइज जिनको मिला है और जो तीसरा प्राइज जिसको मिला है, ये दोनों अमेरिकी अमेरिकी धावक हैं, अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इनका नाम है टॉमी स्मिथ और इन साहब का नाम है जॉन कार्लोस। यहां पर एक तीसरे साहब भी हैं, एक तीसरे साहब भी हैं जिनका नाम है नॉर्मन, लेकिन ये है ऑस्ट्रेलिया के, ये साहब हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब यहां पर ये जो लोग खड़े हैं, नॉर्मन साहब तो नॉर्मल खड़े हैं, लेकिन यहां ये जो दोनों खड़े हैं, इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, सर झुकाया हुआ है, पैर में जूते नहीं पहने हैं, गले में कुछ डाला हुआ है, यहां पर गले में कुछ डाला हुआ है। तो यहां पर ये किसी चीज का विरोध दर्ज कर रहे हैं, यहां पर ये किसी चीज को बताना चाहते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन दोनों साहबों की तस्वीर है, जब ये आज जो इनकी प्रेजेंट स्टेट है, आज ये जिस तरीके से दिखते हैं, ये बहुत पहले का है, 1968 की बात करूंगा मैं। तो हुआ ये कि ये जो तस्वीर आपने देखी, ये नागरिक अधिकार आंदोलन की एक बहुत बड़ी घटना थी। 1968 में मेक्सिको में ओलंपिक हुए, उसमें 200 मीटर की जो दौड़ हुई, उसमें ये 3 साहब लोग जीते। अब चूंकि ये दोनों जीते थे, और जो जीतता है, जो स्वर्ण पदक जिसको मिलता है, वहां का राष्ट्रगान चलता है, तो राष्ट्रगान बजा अमेरिका का। अब यहां पर मुट्ठी तान के एफ्रो अमेरिकी ये दोनों साहब खड़े हुए हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। इनको स्वर्ण और कांस्य पदक मिला, जैसे मैंने आपको बताया, जूते नहीं पहने, मोजे केवल चढ़ा के आ गए ये, और ये अपने आप को ये जताना चाहते थे कि हम गरीब हैं, हमारे पास जूते तक नहीं है। एक काला मफलर उन्होंने पहना, जो अश्वेत लोग जिनको हम ब्लैक्स कहते हैं, वो उनके आत्मगौरव का प्रतीक है ये चीज। उसके बाद जो लोग मारे गए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इन पे अत्याचार हुआ अमेरिका में, तो जो लोग मारे गए, अश्वेत मारे गए, उनके लिए इन्होंने यहां पर एक
माला पहनी हुई है, एक माला। तो ये जो तौर तरीके हैं, इससे ये चाहते थे कि जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है, क्योंकि ये ओलंपिक्स क्या होता है, ओलंपिक्स में हर देश आता है, या तो देखने आता है या भागीदारी करने आता है, और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक इन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक साहब जो यहां पर है, इनका नाम है पीटर नॉर्मन। अब ये साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन इन्होंने भी ये मानव अधिकार का बिल्ला लगाया, इन्होंने भी एक ऐसी चीज लगाई जिससे इन्होंने ये बताया कि हम इन दोनों का अमेरिकियों का, अश्वेत अमेरिकियों का हम समर्थन करते हैं। बहुत भारी कीमत नॉर्मन साहब को चुकानी पड़ी। तो ये जो कहानी है या ये जो घटना है, इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों साहब लोगों का पदक वापस ले लिया गया, क्योंकि ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको ये लगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कहा कि ये जो कार्लोस और स्मिथ ने किया है, ये जो इन्होंने शांत रहकर एक बयान दिया है, ये खेल की भावना, ओलंपिक की भावना का उल्लंघन है, और इन दोनों को दोषी ठहरा के इन दोनों के पदक वापस ले लिए गए। लेकिन ये लोग की आलोचना तो हुई, जब ये वापस लौटे तब भी इनके साथ बहुत दिक्कत हुई, इनको ओलंपिक में शामिल तो नहीं किया गया अगली बार कभी भी। लेकिन जो इन्होंने किया उससे अमेरिका में जो चल रहा था, अमेरिका में जो मानव अधिकार हनन हो रहा था, नागरिक अधिकार आंदोलन जो थे, उनकी ओर ध्यान आकर्षण हुआ, लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया। उसके बाद 2006 में जब पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, जो सेकंड आए थे, उनकी जब मृत्यु हुई, तो इनको कंधा देने वालों में ये दोनों साहब शामिल हैं, स्मिथ और कार्लोस। तो श्वेत और अश्वेत की कहानी है अमेरिका में। तो जो एथलीट हमने देखे, वो सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानताओं का जवाब दे रहे थे। यूएसए में श्वेत, ब्लैक्स और व्हाइट्स, यानी जो श्वेत है और जो अश्वेत है, उनके बीच में बहुत दिक्कत। कैसी दिक्कत? जो श्वेत है वो अश्वेतों को अपने बराबर नहीं मानते, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, पुलिस गोली मार देती है उनको। सामाजिक विविधता जो है वो विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप से दिख सकती है। जैसे हमने, हमको याद होगा, हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लिया। वहां पर बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में भाषाई अंतर था और श्रीलंका में भी भाषाई अंतर था। श्रीलंका में सिंहला वालों वाले लोग अलग थे, तमिल अलग लोग थे। यहाँ पर बेल्जियम में दो भाषाएं प्रमुख रूप से डच और फ्रेंच बोली जाती थी, यानी कि बेल्जियम में भी डिफरेंस है, कैसे डच और फ्रेंच बोलने वाले। श्रीलंका में भी डिफरेंस है, यहाँ पर सिंहला और तमिलियंस है। हिंदुस्तान में तो मैं अगर अंतर बताना शुरू करूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग चलते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं अलग अलग चलती हैं, 144 114 से ऊपर तो भाषाई भाषाएं हैं, 21 जिसमें बकायदा संविधान में दर्ज है। तो जो सामाजिक अंतर विरोध भास या कहे समानता विभाजन, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है किसी भी देश में। तो सामाजिक भेदभाव कहां से शुरू होता है, सामाजिक मतभेद की कहां से शुरुआत होती है? क्योंकि कार्लोस और दूसरे साहब जो कह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं। यानी कि अत्याचार हो रहे तो कुछ मतभेद तो होंगे। तो सामाजिक मतभेद ये जन्म की घटना पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्लोस साहब अगर ब्लैक पैदा हुए, तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो नहीं कहा था कि मुझे ब्लैक में पैदा करो, ये तो पैदा हो गए। यानी कि जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर है वो तो पहले ही बन जाते हैं। अगर किसी हिंदू के घर में कोई पैदा होता है तो वो हिंदू ही तो होगा। किसी मुसलमान के घर में कोई पैदा होता है, चाहे वो 18 साल होने के बाद, उसको शायद ये धर्म ना चाहिए, ये धर्म उसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको, उसका नाम अगर ऐसा है तो वो तो अपने जन्म के आधारित नाम लेके पैदा हुआ है, वो ही माना जाएगा। लेकिन कुछ अंतर हमारे विकल्पों पे भी है। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं थीस्ट हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो जब मैं धर्म को नहीं मानता, मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू में या मुस्लिम में, तो जब मैं धर्म को नहीं मानता तो मैंने अपना जो सामाजिक विभाजन है वो और बना दिया। यानी जो मेरा समाज में उत्पत्ति या जन्म के आधार पे मेरा एक विभाजन था,
वो मैंने अपने आप चेंज किया, मैंने खुद चेंज कर दिया। जैसे कार्लोस और स्मिथ एक तरह से समान थे, वो तो समान थे, लेकिन वहीं पर अगर हम नॉर्मन की बात करें तो नॉर्मन तो गोरे थे, नॉर्मन तो सफेद थे, लेकिन एक चीज में ये तीनों कॉमन थे, तीनों के तीनों धावक थे, तीनों के तीनों एक ही समूह में आते थे, वो तीनों एथलीट थे, दौड़ते थे, वो खेल में संबंधित थे, खेल से जुड़े हुए थे। तो अगर हम एथलीट के बारे में बात करें तो उनका समूह अलग बन गया, लेकिन ये दोनों काले हैं और ये गोरे हैं, तो कार्लोस और स्मिथ इनका समूह अलग हो गया और नॉर्मन का समूह अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये काले ये गोरे। लेकिन जहां हम बात करते हैं खेल की, तो नॉर्मन इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हैं किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है? तो हम सभी की एक से अधिक पहचान हो सकती है, क्योंकि ये काले भी हैं लेकिन ये धावक भी हैं, राइट? और हम अलग अलग एक ही समय में अलग अलग समूहों से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संदर्भ में हमारी अलग अलग पहचान होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग क्या होते हैं, माँ बाप का और परिवार के हिसाब से अपना धर्म नहीं चुनते, धर्म तो उनको मिल गया होता है, लेकिन उसके बाद वो चेंज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई का विषय कुछ और ले लूंगा, मैं कहता हूँ मेरा पेशा अलग है, आप इंजीनियर बन जाते हैं, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं खेल में चला जाता हूँ, आप संस्कृति में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले जाते हैं, यानी आप गायक बन जाते हैं, आप पेंटर बन जाते हैं। तो हमने अपनी चीजें खुद चेंज की है और हमने अपना सामाजिक ताना बाना, हमारा सामाजिक जो एक है पार्टीशन है, वो हमने अलग कर दिया है। इसी के बारे में बात हो रही है। तो जब ये बात आती है तो विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, यानी जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहां पर क्रॉस कटिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग क्या होती है। क्रॉस कटिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, सामंजस्य यानी ओवरलैप, टकराव यानी कि क्रॉस कटिंग। तो इसमें यह है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक मतभेद अन्य मतभेदों के साथ ओवरलैप होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए, ये अमेरिका है, इसमें यहां पर कौन है, यहां पर है श्वेत और यहां पर है अश्वेत। अब अश्वेत और श्वेत में देखिएगा कि श्वेत है अमीर, ये है पैसे वाले, ये संपन्न है, अश्वेत है गरीब, अश्वेतों के पास पैसा नहीं है, उनकी हालत खराब है। और इसके बाद यहां तक तो ठीक है, इसके बाद जब श्वेत अश्वेतों का दमन करने लगे या उन पर अत्याचार करने लगे, तब यहां से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। यानी कि अगर अगर मैं आपको किसी और जगह ले जाता हूं, हम आते हैं नीदरलैंड में, नीदरलैंड में क्या है, ये नीदरलैंड देखिएगा आप, यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूं। यहां पर नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट भी है, ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट भी है, आपके कैथोलिक रोमन कैथोलिक्स भी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं यहां पर जो अलग अलग समूह में आते हैं, लेकिन सभी संपन्न है, सभी ऑलमोस्ट बराबर है, यहां पर कोई झगड़ा नहीं होता। श्वेत और अश्वेतों के बीच में झगड़ा क्या क्यों हो रहा है, समझ गए ना आप? अश्वेत गरीब है, अगर बाय चांस अश्वेत और श्वेत बराबर होते, बराबर का इनका वो होता, बराबरी इनको मिलती, तो कोई लड़ाई होती, सोचिए। चलिए वहां पहुंचते हैं, आयरलैंड में, आयरलैंड में क्या है, यहां पर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नाम के दो खेमों में लोग बटे हुए हैं। आप देखिएगा, ये मैं आयरलैंड की आपको कहानी बता रहा हूं, ये आयरलैंड है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है, यहाँ पर आपके क्रिश्चियंस जितने प्रोटेस्टेंट है, जितने कैथोलिक है, वो यहाँ आपको दिखाए गए। अब इनके बीच में हो रही है लड़ाई, आप देखिए किस तरीके से महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत महीन तौर पर अगर सोचे तो क्या है, यहां समाज में गहरी असमानता है क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट में। कैसे? कैथोलिक समुदाय गरीब है आयरलैंड में, कैथोलिक लोग गरीब हैं, और जो प्रोटेस्टेंट है वो अमीर है। जब यहाँ पर धर्म की बात आती है, तो आप ये भी तो कह सकते थे कि धर्म तो अलग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में क्यों नहीं लड़ाई हो रही है, आयरलैंड में क्यों लड़ाई हो रही, क्यों इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही है? एक कारण ये है कि यहाँ पर एक समुदाय यानी कि कैथोलिक जो मानने वाला है ईसाई में, वो गरीब है, और दूसरा जो प्रोटेस्टेंट है वो ठीक ठाक अमीर, मतलब वेल टू डू है, इसीलिए इनके बीच में हमेशा मारकाट चलती रहती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भेदभाव, अगर भेदभाव है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, यानी कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होगी, कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी जिसके कारण ये चीजें और बढ़ गई। हमारे देश में भी गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको भी भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो एक मुद्दे, जैसे ही एक मुद्दा है श्वेत अश्वेत का या गरीब और अमीर का, उसके साथ जैसे ही नई नई चीज आ जाती है, जैसे अमीर गरीब कहिए और हिंदू मुसलमान कर दीजिए,
तो वहां पर दिक्कतें शुरू होने के पूरे संभावना है। सामाजिक मतभेदों का जो अतिरेक गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करता है। यानी केवल ये कह के कि दो अलग अलग समूह रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में मतभेद की संभावना हो जाएगी। इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ओवरलैपिंग होगी, कहीं क्रॉस कटिंग होगी, तब दिक्कतें आती है। तो ओवरलैपिंग में दिक्कत आती है जब और चीजें जुड़ जाती हैं, केवल अमीर और गरीब की बात अगर करें और साथ में धर्म भी जोड़ दें तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हमारे देश में, हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं, और दुनिया भर में क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं। आप कनाडा का एग्जांपल लीजिए, कनाडा इतना बढ़िया देश है, वहाँ हर तरीके का आदमी रहता है, हर तरीके का आदमी रहता है और बहुत अच्छे से रहता है। सामाजिक विभाजन जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से हमने देख लिया कि भाई एक जगह जाए तो क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट है, एक जगह जाए तो वहां पर अलग अलग तरीके के धर्म है। तो सामाजिक विभाजनों में जब राजनीति आ जाती है, जैसे आपने न्यूज में हमारे यहाँ सुना होगा हिंदुस्तान में ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये बहुत बार सुना होगा। यानी कि सामाजिक विभाजनों की बात कर रही है। अब एक नेता ने हिंदू के लिए कुछ कह दिया, एक नेता ने मुसलमान के लिए कुछ कह दिया, तो जहां पर राजनीति आ गई, तो सामाजिक विभाजनों में जब राजनीति आ जाती है तो क्या हो सकता है? तो पहली नजर में तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर राजनीति और ये सामाजिक विभाजन साथ आ जाए, यानी अगर अलग अलग धर्म है, अलग अलग स्तर है, यानी कोई अमीर है, गरीब है, कोई पिछड़ा हुआ है, इनके बीच में अगर कहीं राजनीति किसी ने ला दी, तो आप समझ लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बड़ा खतरनाक होता है, विस्फोटक होता है। पहली नजर में तो ये दिखता है। तो अब हो ये सकता है कि अगर राजनीतिक विभाजन में, ये जो सामाजिक विभाजन है इसमें राजनीतिक विभाजन आ जाए, तो देश में हिंसा हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, विघटन हो सकता है देश में। ऐसा कई देशों में हुआ है। क्यों? एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल ये है कि यूनाइटेड किंगडम का जो उत्तरी आयरलैंड है, वो कई वर्षों से जहां पर बहुत हिंसक और जातीय राजनीतिक संघर्ष चलता रहा। मैं आयरलैंड की बात कर चुका हूं। आयरलैंड में मारकाट चलती रही। इसका मतलब कि अगर राजनीति गलत तरीके से इस सामाजिक विभाजन में आ गई, अगर कोई आके खड़ा हो गया कि मैं हिंदू को बचाऊंगा, कोई आके बोलता है मैं मुस्लिमों को बचाऊंगा, तो फिर तो गड़बड़ होगी होगी। कोई हिंदू कोई मुस्लिम की बात ना करे, हाँ उनके उनके बढ़ोतरी की, उनके उनके एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है, तो हम ये हमेशा नहीं कह सकते कि राजनीति जो है उस किसी तरीके से सामाजिक विभाजन को व्यक्त करे। जैसे मैंने अभी हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि सामाजिक विभाजन में राजनीति जहां आ जाती है वहां दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। अगर राजनीतिक दल इन विभाजनों के बारे में बात करेंगे, कोई एक पक्ष को लेगा, कोई दूसरे पक्ष को लेगा, एक दूसरे से वादे करेंगे कि देखो अगर हमको तुमने जिता दिया तो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारे लिए वो नहीं करेंगे, तो सामाजिक विभाजन जो है वो मतदान को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपने कह दिया कि चलिए, जैसे सिख समुदाय का कह दिया, अगर आपने ये किया तो हमारे हम आपके लिए ये कर देंगे, ये गुरुद्वारा बना देंगे, तो सिख लोग तो वोट करेंगे। लेकिन यहां पर आपने तो राजनीति ला दी ना, यहां पर सामाजिक विभाजन में राजनीति ला दी। तो ऐसा है कि जो समुदाय है वो कई लोग एक ही पार्टी को, जो उन समुदाय समुदाय के पक्ष में रहती है, उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं जरा ये आयरलैंड का थोड़ा सा एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको। आयरलैंड में ये हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन का ये जो हिस्सा है आयरलैंड, ये काफी समय तक यहाँ पर हिंसा होती रही। प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर दो अलग अलग ईसाई के पंथ थे, मतलब 53% जो आबादी थी वो प्रोटेस्टेंट है, वो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग, और 44% रोमन कैथोलिक थी। अब कैथोलिक का प्रतिनिधित्व, जैसे मान लीजिए ये कैथोलिक जो एक धड़ा है, इसको नेशनलिस्ट पार्टियां इनको सपोर्ट करती थी। उनका ये मांग थी कि जो उत्तरी आयरलैंड है वो आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, क्योंकि जो जो ऊपर का आयरलैंड है वो कैथोलिक है, तो हम लोग कैथोलिक है तो हमको उनके साथ मिला दिया जाए। जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जो दूसरा धड़ा है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूनियनिस्ट पार्टी। वो ये कहते थे कि हम तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन मोस्टली प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं यहाँ पे। अब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, लोग मारे गए, औरतें बच्चे सब हलाक हुए, बहुत सारे लोग। फिर इनके बाद आखिर में 1998 में जो नेशनलिस्ट और जो मैंने दूसरा नाम लिया, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और बाद में जाके कहीं शांति हुई। युगोस्लाविया में तो और बुरा हाल हुआ,
एक ऐसा देश, वहां पर तो धार्मिक और जाति विभाजन इस तरीके से हुआ कि राजनीतिक होड़ इतनी बढ़ गई कि जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको तो ये इलाका चाहिए, हम तो ये धर्म वाले हैं, हमको तो ये इलाका चाहिए। तो अल्टीमेटली युगोस्लाविया के 6 टुकड़े हुए। सोच सकते हैं आप किसी देश के 6 टुकड़े होना। राजनीति और सामाजिक विभाजन का आमतौर पर मेल नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीति में धर्म की बात करता है गलत है। अब लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है वो हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, लड़ाई मतलब इस तरीके से नहीं हार मार पाट, इसमें ये हो रहा था कि मुझे जीतना मुझे जीतना है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमें जीतना है, सीपीआई वाले कहते हैं हमें जीतना है। तो सब लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीके से जीतने के लिए किसी न किसी समुदाय के प्रति हो जाते हैं और किसी न किसी के विपक्ष में हो जाते हैं। एक समुदाय की बुराई करके दूसरे समुदाय के पक्ष में आने की कोशिश करते हैं। और लोग क्या है, इस चीज को बड़ा प्रत्यक्ष तरीके से मतदान में दिखाई देता है कि भाई एक पार्टी जो है वो तभी जीतती है जब उसका जो वोट शेयर है वो उन लोगों का हो जिसको वो सपोर्ट कर रही है, बाकी लोग उनको वोट नहीं देते, है ना। लेकिन देखिए राजनीति में ये चीज हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये विवाद का विषय है, गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं क्यों ये सही भी है थोड़ा बहुत। देखिएगा, पहले इसके 3 आयाम बता दूं कि जो राजनीति जब आ जाती है सामाजिक विभाजन में, सबसे पहले ये कैसे कैसे क्या क्या असर पड़ता है। पहली चीज इसमें आती है कि लोग अपनी पहचान कैसे समझते हैं। अगर आप हिंदू अपने आप को समझे, मैं अपने आप को मुसलमान समझू, कोई तीसरा आदमी सिख समझे, तो हिंदू मुस्लिम सिख जब तक हम समझते रहेंगे तब तक तो बात नहीं बनेगी। जब तक हम तीनों अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे, यानी कि हम जो अपनी पहचान है उसको क्लियर नहीं करेंगे और एक एक तरीके से नहीं रखेंगे, तब तक मतभेद तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल है, मतभेद हमारे होते रहेंगे। अब आप आइए बेल्जियम में, बेल्जियम वाला कोई भी ये नहीं कहता कि मैं फ्लेमिश जगह में रहता हूं या फिर मैं डच बोलता हूं, मैं डच हूं। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं फ्रेंच हूं। बेल्जियम वाला बंदा कहता है कि मैं बेल्जियम का हूं, मैं इस देश का वासी हूं। जब तक ये भावना रहेगी सब कुछ ठीक चलेगा। दूसरी चीज इसमें आती है, जो दूसरा आयाम आता है वो ये है कि विभिन्न समूहों की मांग पर पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर राजनीतिक नेता जो है वो किसी भी समुदाय की मांगों को उठाते कैसे। अगर राजनीति में जो लोग हैं वो आपको, जैसे किसी हिंदू की मांग उठाई उन्होंने, ठीक, तो वो जो मांग उठा रहे हैं वो किस तरीके से उठा रहे हैं। अगर वो हिंदू की मांग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे मुस्लिमों को भगा दिया जाए, एक मुस्लिम नेता इस तरीके से मांग कर रहा है कि सारे हिंदुओं के साथ ये है, इनका ये किया जाए, तब क्या दिक्कत होगी। आप सोचिए, जब आप एक कम्युनिटी के हैं और दूसरे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करना चाहते हैं तब यह गलत हो जाएगा। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, देखिए श्रीलंका में सिंहला थे, उन्होंने पूरा एक आधी राज कर दिया, सिंहला को बढ़ाया, बौद्ध धर्म को बढ़ाया, तो तमिल लोगों का तो नुकसान हुआ ना, उन लोगों की भाषा का, उन लोगों की संस्कृति का नुकसान हुआ। तो अब बेसिकली यह तमिलों की हित की रक्षा नहीं की गई, हित के खिलाफ काम किया गया, तभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ वहां पे। तो अगर राजनीतिज्ञ या राजनीति वाले लोग ठीक से मांग नहीं उठाएंगे तो दिक्कतें आ सकती है। तो दूसरा आयाम ये हो गया। तीसरी मैं बात करता हूं वो है कि अलग अलग समूह जो है उनकी, वो जब मांग करते हैं तो सरकार कैसे उनकी मांग पे जवाब देती है। अब आप देखिए कि मान लीजिए एक समूह है, जैसे हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट समूह है, वो कहता है कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, सरकार कहती है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए। ये लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो ये गलत कर सकते हैं ना। लेकिन सरकार अगर कहती है हाँ आप लोग दबे कुचले लोग हैं, आपकी रिपोर्ट आई है सच्चर समिति की या किसी भी कमेटी की रिपोर्ट आई है और देखा गया, और या फिर स्टैटिस्टिक से देखा गया कि शेड्यूल कास्ट की हालत वाकई में खराब है, तब क्या होगा, इनको सरकार रिजर्वेशन दे देगी, सरकार इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर काम करेगी। तो अगर सरकार, जैसे अगर सिंहला में देखे या श्रीलंका में देखे, सिंहला के लिए सब कुछ किया गया लेकिन तमिलों ने जब अपनी मांग रखी तो उनके मांगों को दबा दिया गया, तभी तो इतने सालों तक वहां पर सिविल वॉर होता रहा। तो शासन जो है किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय से डील करता है, उनकी मांग अगर संविधान के अंतर्गत है, अगर वो किसी और समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो उनकी मांगों को माना जा सकता है। केवल उनको दबाना, उनको डराना या उनकी मांगों को नहीं मानना, ये बहुत गलत गलत चीजें लेके आएगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज और बताऊंगा कि जो सामाजिक अंतर है हमेशा उसको खतरा मान के हमें नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अगर कोई SC है, ST है, OBC है, ये अपनी मांग उठाता है,
तो यहां पर एक नेता है मायावती जी, यहां पर एक नेता है ये मुलायम सिंह है, ये यादव जी के नेता है, यहां पर है ये शेड्यूल कास्ट की नेता है, मतलब उनको रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेता है, ऐसी अकालियों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेता है। यानी कि इनकी बात को अगर कोई राजनीतिज्ञ रखेगा तभी तो इनकी बात सुनी जाएगी ना, आप समझ रहे हैं। सामाजिक विभाजन में जब लोग शांति से मोहब्बत से संविधान के अंदर रहकर जब अपनी मांगे रखते हैं तो उनकी मांगे, अब मान लीजिए 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग अपनी मांग लेके तो डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते सरकार के पास, वो कहेंगे इनको या इनको, ये जाएंगे सरकार के पास अपने, ये उनके बारे में क्या बात करेंगे, तो ये बात करेंगे तो फिर इनकी बात उठनी भी तो चाहिए। तो सामाजिक विभाजन में राजनीति बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए आप कितना अंतर विरोध है, यहाँ पर राजनीति जरूरी हो जाती है, लेकिन जब गैर बराबरी और अन्याय होता है तो हिंसा कई लोग रास्ता अपना लेते हैं और शासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इतिहास हमें बताता है कि ये जो तमाम गड़बड़ियां हैं इनको पहचानना और जो विविधता है डिवर्सिटी की मोहब्बत करना, जैसे अगर हमारे देश में बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं हम जब बचपन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सब आपस में रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे घर खाना खाते हैं, सब एक दूसरे के शादी में जाते हैं, वही सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि विविधता को मानिए, डिवर्सिटी को मानिए, यही ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।